दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दो स्मार्टफोन्स के बारे में। एक है रेडमी नोट 10 सीरीज, उसके बारे में, लॉन्च होने वाला है फरवरी में ही, कैसे ऑफिशियल हो गया है। एंड उसके बाद मार्च में आपको देखने को मिल सकता है पोको M3 प्रो। क्या सारी चीजें पता चली हैं इसके बारे में, सारी चीजें बताने वाला हूं। पसंद आए लाइक बटन शेयर कर देना, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना। दोनों स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं कुछ चीजें। चलते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। पोको M3 Pro XDA डेवलपर्स ने कुछ चीजें लीक की हैं और आज BIS पे भी लिस्ट हो गया है। अब BIS पे आज लिस्ट हो गया तो इसका मतलब ये है कि अगले एक महीने के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा। एंड कहा जा रहा है फरवरी में नहीं होगा ये, पॉसिबली 10 मार्च से पहले आपको ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद आपको Redmi Note 10 सीरीज इंडिया में लॉन्च होती है दिख सकती है। तो Redmi Poco एक साथ जल्दी जल्दी लॉन्च करे इतना थोड़े कम चांसेस है, तो हो सकता है Poco M3 Pro आपको 1 से 10 मार्च के बीच में देखने को मिल जाए। लेट्स सी, एक महीने का टाइम रहता है, उसके बीच में ही लॉन्च हो जाती है। स्पेसिफिकेशन एंड कुछ चीजें पता चली हैं। क्या चीजें पता चली हैं? XDA डेवलपर्स ने कहा है कि इसके दो कोड नेम्स लीक हुए थे पोको X3 Pro के, जो कि इंडिया में काम चल रहे थे, वायु और भीमा, ये दो नाम से कोड नेम्स हैं। एंड 91 मोबाइल्स की एक रिपोर्ट है जिसने बताया कि इसमें स्पेसिफिकेशन जो होने वाले हैं, ज्यादा कुछ खास तो नहीं पता चला है, लेकिन पता चला है कि हायर रिफ्रेश रेट आएगा। अभी IPS होगा कि AMOLED होगा इसके बारे में पता नहीं चला है, लेकिन कहा गया है कि हाईएस्ट रिफ्रेश रेट होगा। एंड इसके साथ साथ आपको इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस का चिपसेट आ सकता है, अंडर 20,000 पॉसिबली आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस का चिपसेट मिल सकता है। दो नाम है जैसे मैंने कहा, वायु और भीमा कोड नेम दो थे, तो हो सकता है दो अलग अलग वेरियंट्स आए इसमें, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पोको X3 Pro में आपको दो वेरियंट्स आ सकते हैं जो कि स्नैपड्रैगन 855 प्लस पे होंगे। लेकिन एक चीज अभी नहीं पता चली है कि इसमें कहा गया कि 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप होगा। पोको X3 देखोगे तो उसमें 64 है, तो उसमें 48 रहेगा, तो मेरे ख्याल से डाउनग्रेड हो जाएगा। अब लेट्स सी देखते हैं क्या है। रिपोर्ट में तो यही कहा गया, इसके साथ एक बड़ी बैटरी रहेगी, अब वो 5000 mAh की रहेगी, 6000 mAh की रहेगी, पता नहीं, लेकिन बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जर, बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। और स्मार्टफोन BIS पे आज लिस्ट हो गया है, तो ऑब्वियसली अगले एक महीने के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा इंडिया में। एक्सपेक्ट करते हैं कि 10th ऑफ मार्च से पहले ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद चलते हैं Redmi Note 10 सीरीज की तरफ। आज Xiaomi ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है ऑफिशियली, उनका जो ट्विटर है उसके ऊपर बहुत सारे ट्वीट्स डाले उन्होंने, जिसमें 10 नंबर है उसको हाईलाइट किया है बहुत ज्यादा, जिससे पता चल रहा है कि ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है कुछ ही दिनों में। एंड उन्होंने एक ट्वीट डाला जिसमें कहा गया कि 10 तारीख को बताने वाले हैं, 10 तारीख को दोपहर के 10 बजे नहीं सुबह के 10 बजे 10:10 पे कुछ वो लोग बताने वाले हैं। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका लॉन्च उस दिन अनाउंस होगा कि किस दिन ये लॉन्च होने वाला है। एंड एक लीक आई है कि इसमें पहले पता चल रहा था कि दो स्मार्टफोन होने वाले थे, Redmi Note 10 और Note 10 Pro, अब पता चल रहा है कि इसमें तीन स्मार्टफोन होंगे। अब वो तीन कौन कौन से होंगे, लेट्स सी देखेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक Note 10 होगा, दूसरा Note 10 Pro होगा, एक Pro Max हो सकता है पॉसिबली, जो भी नाम हो उसका बाद में, लेट्स बाद में देखेंगे उस चीज को। लेकिन अभी पता चल रहा है कि इसमें तीन स्मार्टफोन होने वाले हैं। एंड अभी से टीज करना चालू कर दिया तो आप समझ लो कि ये आपको 20 तारीख से पहले देखने को इंडिया में मिल सकता है। अभी टीज किया है, कहा है 10 तारीख को बताएंगे, 10 तारीख यानी कल, तो कल आपको शायद ये लॉन्च डेट बता देंगे। तो लॉन्च डेट अगर बताएंगे तो इतना लेट का तो नहीं बताएंगे कि 2025 तक जाए, मुझे लगता है 20 तारीख से पहले ये आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। प्राइसिंग 20,000 के नीचे तीनों की होगी। कहा जा रहा है कि Redmi Note 10 और Note 10 कहा जा रहा था 4G वाला होगा, अब Note 10 Pro में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि तीन वेरिएंट बताया गया, तो Pro Max तो 5G होगा जहां तक मेरे चांसेस लग रहे हैं, Note 10 Pro क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेट्स सी देखते हैं, जैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलता रहेगा वैसे बता दे रहा हूं। कल तैयार रहना, सुबह 10:10 पे आपको पता चलने वाला है इसका लॉन्च डेट। तो यही दो चीजें बतानी थी पोको और Redmi की तरफ से। कौन से वाले का वेट कर रहे हो जरूर बताओ, पोको X3 Pro का वेट कर रहे हो या Redmi Note 10 सीरीज का वेट कर रहे हो? पोको X3 Pro लॉन्च होगा, उसके बाद ही पोको F2 आएगा, उसके पहले नहीं आने वाला। तो अगर आप पोको F2 का वेट कर रहे हो तो पहले पोको X3 Pro लॉन्च होगा, उसके बाद ही आएगा वो। लेट्स सी देखते हैं, जो भी चीज हो किसका वेट कर रहे हो जरूर बता देना। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया तो शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस में चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो, सपोर्ट खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टर इमेजेस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नहीं करना चाहते, तो अगले दोस्तों जय हिंद।